बीजेपी ने मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया है। इस दौरान पुलिस ने बीजेपी नेताओं को हिरासत में लेकर बस में बैठा लिया, जबकि कुछ लोगों ने बस की छत पर चढ़कर प्रदर्शन किया। तो भोपाल में बीजेपी के प्रदर्शन की तस्वीरें, बीजेपी नेताओं को हिरासत में इस दौरान लिया गया है और लगातार ये आक्रामक होता हुआ प्रदर्शन दिखा। भोपाल में बीजेपी ने मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार के खिलाफ, उनकी नीतियों के खिलाफ ये प्रदर्शन किया था। इस दौरान पुलिस ने बीजेपी नेताओं को हिरासत में लिया है। बड़ी तादाद में बीजेपी के नेता एकत्रित हुए थे, जबकि कुछ लोगों ने बस की छत पर चढ़कर प्रदर्शन किया है। मध्य प्रदेश के भिंड में मोबाइल चोरी के आरोप में लोगों ने चार लोगों की पिटाई की। बताया जा रहा है कि बाइक सवार चार बदमाश मोबाइल लूटकर भाग रहे थे, लेकिन गांव वालों ने उन्हें दौड़ाकर पकड़ लिया और पिटाई करने वाले उन्हें पुलिस को सौंप दिया गया, जबकि उनमें से ही कुछ लोगों ने आरोपियों का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। तो मध्य प्रदेश की भिंड की चोरी, चोर के आरोप में पिटाई की गई है, मोबाइल चोरी का यह मामला बताया जा रहा है, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई या कितना झूठ है पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा। इस चोरी के आरोपी का वीडियो बनाकर वायरल भी किया गया है, हालांकि इसे पुलिस को सौंप दिया गया। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में बच्चा चोरी के आरोप में भीड़ ने एक आदमी की पीट पीट कर हत्या कर दी। बताया गया कि बच्चा चोरी के शक में भीड़ ने इलाके में घूम रहे एक आदमी को पकड़ लिया, लात घूंसों से उसकी बेरहमी से पिटाई की, जिसके बाद उसकी मौके पर मौत हो गई। यही नहीं, पुलिस ने जब बीच बचाव की कोशिश की तो भीड़ ने पुलिस से भी हाथापाई की। पश्चिम बंगाल के आसनसोल की ये तस्वीर है, भीड़ की हिंसा का ये मामला, चोरी की, बच्चा चोरी हुई नहीं हुई ये जांच का विषय है, लेकिन भीड़ जिस तरह से आक्रामक होकर चोरी के आरोप में इस शख्स की पिटाई कर रही है, जिसकी वजह से मौके पर ही उसकी मौत हो गई, ये भीड़ के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, ये अपने आप में बहुत अहम सवाल है। बच्चा चोरी के मामले में पुलिस को दखल देना चाहिए था, लेकिन खबर तो ये सामने आई कि जब पुलिस ने दखल दिया तो पुलिस पर भी भीड़ भारी पड़ी। और एक बड़ी खबर इस वक्त की, महाराष्ट्र और हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के कल बेहद अहम बैठक चुनाव आयोग की है, जिसमें दोनों राज्यों में गई चुनाव आयोग की टीम के रिपोर्ट पर चर्चा होगी और इसके बाद बहुत जल्द चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो सकता है। और बेहद अहम बैठक कल चुनाव आयोग की इसी मुद्दे पर होने जा रही है। नीरज हमारे सहयोगी फोनलाइन पर मौजूद हैं। नीरज, कल जो बैठक चुनाव आयोग की है, क्या ये माना जाए कि इसके बाद तारीखों का भी ऐलान हो सकता है? देखिए, कल एक महत्वपूर्ण बैठक है। कल की बैठक में चुनाव आयोग ये तय करेगा कि क्या तैयारी पूरी हो गई है कि नहीं महाराष्ट्र और हरियाणा में। महाराष्ट्र में चार उप चुनाव आयुक्तों की टीम गई थी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी है। हरियाणा में आज दो चुनाव आयुक्तों की टीम पहुंची है, वो अपनी रिपोर्ट देगी। उस रिपोर्ट का आकलन किया जाएगा और उसके बाद चुनाव आयोग तय करेगा कि महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव कराने के लिए अच्छी तिथि और तारीख क्या है। देखिए, पिछली बार दोनों राज्यों में एक एक चरण में चुनाव हुआ था प्रशांत, लेकिन इस बार चुनाव आयोग की कोशिश है कि हरियाणा में तो एक चरण होगा, लेकिन महाराष्ट्र में कई विकल्पों पर चुनाव आयोग विचार कर रहा है। तो तमाम तैयारियों को देखकर, रिपोर्ट को देखने के बाद चुनाव आयोग आकलन करेगा कि कब घोषणा की जाए। शुक्रिया नीरज।